आज हम डिस्कस करेंगे एच एल आर एंड वी एल आर हमने जी एस में स्टडी किया था कि एच एल आर एंड वी एल आर दो इंपॉर्टेंट रजिस्टर होते हैं जो एम एस सी के साथ जुड़े होते हैं तो आज डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम एच एल आर डिस्कस करते हैं एच एल आर एच एल आर की फॉर्म फॉर्म क्या होती है होम लोकेशन रजिस्टर होम लोकेशन रजिस्टर बेसिकली एच एल आर क्या है एक परमानेंट डाटा बेस होता है ये एक तरह का परमानेंट डाटा बेस है मतलब इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है ठीक है तो कैसा डाटा स्टोर होता है इसमें इसमें डाटा होता है रिलेटेड टू सब्सक्राइबर जो मोबाइल सब्सक्राइबर है उससे रिलेटेड डाटा स्टोर होता है इसमें डाटा रिलेटेड टू मोबाइल टू मोबाइल सब्सक्राइबर ओके कैसे कैसे डाटा आ सकता है कि सब्सक्राइबर के आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गए मोबाइल सब्सक्राइबर का क्या क्या डाटा हो सकता है सब्सक्राइबर के बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं हमने डिस्कस किया है ये भी आई एम आई नंबर एम सी नंबर स्टोर होगा इसमें सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे कि आई एम ई आई इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी आई एम एस आई इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी ये सब नंबर स्टोर होंगे हमारे एच एल आर में ठीक है दूसरा क्या डाटा स्टोर हो सकता है इसमें कि सब्सक्राइबर ने कौन सी सर्विसेज सब्सक्राइब की हुई है हमारा जो मोबाइल यूजर है उसने क्या क्या सर्विसेज सब्सक्राइब की हुई है कौन कौन से प्लान है उसके वो सारा डाटा भी इसी में स्टोर होता है एच में वेरियस सब्सक्राइबर सर्विसेज तो दूसरा डाटा ये स्टोर होता है इसमें सब्सक्राइबर सर्विसेज सब्सक्राइब बाय सब्सक्राइबर बहुत सारे जो उसने सब्सक्राइब कर रखी है वो एच में स्टोर होगा एमएससी एच से पता करेगा कि क्या क्या सर्विसेज है इसके पास ठीक है और क्या स्टोर होता है इसमें सब्सक्राइबर का करंट स्टेटस क्या है वो भी इसमें स्टोर होता है सब्सक्राइबर करंट स्टेट जैसे कि करंट स्टेटस में क्या आ सकता है करंट पोजिशन क्या है सब्सक्राइबर की मोबाइल सब्सक्राइबर एक जगह तो रहेगा नहीं एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है तो जी नेटवर्क में क्या करंट पोजिशन है सब्सक्राइबर की वो भी एच में ही स्टोर होती है तो करंट पोजिशन और सब्सक्राइबर ये भी एक डाटा इसमें स्टोर होगा करंट पोजिशन ऑफ सब्सक्राइबर ठीक है दूसरा डाटा इसमें ये भी स्टोर हो सकता है कि अगर रोमिंग कर रहा है मोबाइल तो एक टेम्प्रेरी रोमिंग नंबर मिलता है अगर मान लो हिमाचल से चंडीगढ़ चला गया मोबाइल यूज़र मिलेगा, वो भी इसमें स्टोर होता है ठीक 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 है? है, है? है? वो भी HRR में ही होता अब हर location का अपना होगा, अगर एक लोकेशन से दूसरी जगह तो वी एल आर अलग होगा विजिटर लोकेशन रजिस्टर तो कौन से वीएलआर में वो भी एच में स्टोर होता है एंड एसोसिएटेड वी एल आर वी एल आर को भी आप आगे डिस्कस करेंगे तो अभी लेके चलो कि जो किस वी एल आर में है अभी हमारे मोबाइल सब्सक्राइबर वो भी एच में डाटा स्टोर होता है उसका डाटा भी एच में स्टोर होता है ठीक है जो हमारा एच होता है ना इसमें सारा की क्या क्या सर्विसेज सब्सक्राइब की हुई है कस्टमर में वो भी इसमें स्टोर होती है वेरियस सर्विसेज सब्सक्राइब और कोई सप्लीमेंट्री सर्विसेज है वो भी स्टोर होंगी जैसे वैल्यू एडिड सर्विसेज वगैरह है वो दो तो नहीं सब्सक्राइब की यूज़र ने वो भी इसी में स्टोर होती है एच में तो एच एल से ही परमिशन ग्रांट होती है इट प्रोवाइड परमिशन कंट्रोल इन ग्रांटिंग सर्विसेज ठीक है ठीक है तो एच एल आर परमिशन कंट्रोल का काम करता है एच एल आर से परमिशन मिलेंगे कि हाँ जी ये सर्विसेज है यूज़र के पास बैलेंस भी है इतना कि वो यूज़ कर सके तो वो सारी परमिशन एच एल आर से ही ग्रांट होंगी ठीक है अच्छा तो अब बात आई कि अब हमारे पास होम लोकेशन रजिस्टर है एक परमानेंट डाटा बेस तो हमें वी एल आर की ज़रूरत क्या पड़ी वी एल आर में बेसिकली वही डाटा होता है जो हमारा एच एल आर में होता है सेम कॉपी होती है पर जरूरत क्यों पड़ी है हमें वी की ये बात समझने वाली है ठीक है इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो हमारा क्वेश्चन है वाई वी एल आर वी एल आर विजिटर लोकेशन रजिस्टर है जिसमें कि सेम डाटा कॉपी होता है जो एच एल आर में होता है पर चाहिए क्यों जैसे कि मोबाइल यूजर अपने हमेशा अपनी होम लोकेशन पे तो रहेंगे नहीं मान लो अपनी होम लोकेशन से ये उसकी होम लोकेशन है यूज़र की जी इसमें यूजर की तो होम लोकेशन से अगर वो किसी दूसरी लोकेशन पर चला जाता है ठीक है तब वहाँ के एमएससी को भी तो डाटा चाहिए होगा कि उसने कौन कौन से सर्विसेज सब्सक्राइब की हुई है क्या क्या प्लान है उसके पास तो बेसिकली क्या होता है जब एक मोबाइल ने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में चला गया तो क्या होगा क्या प्रोसेस होगा ऐसे इस लोकेशन एरिया में आएगा लोकेशन मान लो इसको बोल देते हैं हम लोकेशन एरिया वन जैसे ही लोकेशन एरिया टू में आएगा हमारा मोबाइल ठीक है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा वो रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ के एमएससी को ठीक है लोकेशन एरिया टू के एमएसई को रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजेगा इस पॉइंट को लिख देते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेन मोबाइल स्टेशन हमारा लोकेशन एरिया टू में अपेयर होगा तो इट स्टार्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ठीक है फिर यहाँ का एमएस इसके रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को पकड़ेगा ठीक है मोबाइल की और क्या करेगा यहाँ जो इस एमएससी से एक बी एल जुड़ा होगा एक डाटाबेस होगा टेम्पररी डाटाबेस जुड़ा होगा उसको आइडेंटिटी ट्रांसफर करेगा लोकेशन एरिया की कि किस लोकेशन में वो सब आइडेंटिटी अग्णिट, ट्रांसफर कर देंगे एमएससी ठीक है ठीक है एमएससी नोटिस नोटिस करेगा रजिस्ट्रेशन को और इस एमएससी से जो वी एल आर जुड़ा होगा उसको आइडेंटिटी ट्रांसफर कर देंगे उस लोकेशन एरिया की ठीक है उसके बाद क्या होगा एमएससी क्या करेगा पता लगाएगा कि जो मोबाइल है जो मोबाइल इस लोकेशन एरिया में आ गया है उसका होम लोकेशन क्या है वो इंफॉर्मेशन होगी उसी से जुड़ी हुई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देंगे मोबाइल हमारा हमे से को कि मेरा लोकेशन होम लोकेशन ये है तो होम लोकेशन से डाटा कॉपी किया जाएगा यहाँ के वी में ठीक है जो इसके होम लोकेशन में जो रजिस्टर था होम लोकेशन रजिस्टर उसका सेम डाटा कॉपी किया जाएगा यहाँ के विजिटर लोकेशन रजिस्टर पे सेम डाटा ठीक है डाटा कॉपी करना पड़ेगा ना क्योंकि सारा डाटा इन्फॉर्मेशन तो एच उसी में डाटा में एच एल आर में है कि क्या क्या सर्विसेज सब्सक्राइब की हुई है तो वो डाटा कॉपी करना पड़ेगा हमें यहाँ के वी में ठीक है तो लिख देता हूँ इस पॉइंट को मैं इनफॉमेशन जो नेसेसरी है मेरे मोबाइल स्टेशन को मैनेज करने के लिए वो वो एच में होती है हमारे ठीक है वो हमने डिस्कस कर लिया है सो एंड दैट सेम इंफॉर्मेशन इज कॉपी टू वी आर एंड एंड दैट सेम इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर टू वी एल आर जो इस लोकेशन एरिया से जुड़ा हुआ वी एल आर है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ चले जाएंगी ठीक है एच एल आर से कॉपी होगी तो हम ये कह सकते हैं ना कि डाटा कंटेंट इन एच एंड वी जो डाटा एच एंड आर एंड आर वी एल आर में वो मोर लेस सेम है सेम डाटा है ठीक है अब मान लो हमारा मोबाइल लोकेशन एरिया टू से लोकेशन एरिया थ्री में चला जाता है ठीक है अब मोबाइल जरूर थोड़ी इसी लोकेशन में रहेगा दूसरी लोकेशन में चला जाता है तो यहाँ के वी का डाटा डिलीट हो जाएगा वी में डाटा टेम्पररी है टेम्प्ररी है परमानेंटली नहीं है डाटा परमानेंट डाटा हमेशा होम लोकेशन रजिस्टर में ही होगा अब लोकेशन एरिया टू से लोकेशन एरिया थ्री में चला गया मोबाइल लोकेशन एरिया टू का वी था वहाँ से डाटा डिलीट हो जाएगा इसलिए वी को हम बोलते हैं इट इज़ अ टेम्पररी डाटा बेस्ड टेम्प्ररी डाटा बेस क्योंकि इसमें डाटा तभी तक रहेगा जब तक मोबाइल उस लोकेशन एरिया में है अब लोकेशन एरिया थ्री में चला गया मोबाइल तो वहाँ के वी में होगा कॉपी डाटा सेम प्रोसीजर रिपीट होगा और वहाँ के वी में कॉपी हो जाएगा एच से डाटा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको लिख देता हूं मैं कि डाटा इज प्रेजेंट इन वी एल आर एज लॉन्ग एज एम एस इज मोबाइल स्टेशन इज रजिस्टर्ड इन एरिया रिलेटेड टू दैट वी ठीक है वी में डाटा तभी तक रहेगा जब तक मोबाइल स्टेशन उस एरिया में रजिस्टर्ड रहेगा ठीक है उसके बाद दूसरे एरिया में मूव कर जाएगा तो वी से डाटा डिलीट हो जाएगा और दूसरे एरिया के बी एल आर में वो डाटा चला जाएगा ठीक है इसीलिए इसको हम टेम्पररी डाटा बेस बोलते हैं तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगाऊंगा अगले लेक्चर में हम बाकी रजिस्टर डिस्कस करेंगे